हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 24 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज हैं यूपीएससी के लिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो न्यूज आई है आज वो आई है सफर को लेके। सफर का मतलब है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। बेसिकली है इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन और पोर्टल है, जो कि एप्लीकेशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है और एक ऑन वेबसाइट है उसके नाम से भी अवेलेबल है। अब क्या काम है इसका? देखो, हमारे देश में पोल्यूशन से काफ़ी बड़ी दिक्कत है वो सामने आती है, तो एयर क्वालिटी का जो करेक्ट डाटा है वो सभी मेजर जो सिटीज़ हैं उनका डाटा प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली इसका निर्माण है वो किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल है IITM पुणे, उसके द्वारा बेसिकली इसका निर्माण है वो यहाँ पे किया गया था, जो कि आपको पता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो आता है। अब इसके तो फीचर्स वगैरह देखते हैं कैसे काम करता है ये। यह बेसिकली जो एयर क्वालिटी है वो पूरा इंडेक्स है वो प्रोवाइड करवाता है मेजर सिटीज़ का इंडिया का, ताकि पता चल सके कि भाव वहाँ पे जो क्वालिटी है एयर की वो कैसी है, रहने लायक है नहीं है। 6 स्टेज में बेसिकली डिवाइड है वो करता है, 6 इन्होंने क्राइटेरिया डिवाइड कर रखे हैं कि जो वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ठीक है या नॉर्मल से भी हालत ज़्यादा ख़राब है, कैसी सिचुएशन है उसके आधार पर। तो बेसिकली हमें इसके बारे में 2-3 चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए। लोकेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन है यह प्रोवाइड है वो करता है 1-3 दिन की, तो ये सब डाटा इतना याद नहीं रखना कि 1-3 दिन का डाटा देता है कहाँ क्या देता है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि एयर क्वालिटी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो कहाँ कहाँ से ऑपरेशन होता है, और इसके साथ ही मेन बात यह है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। देखो, ओनली अगर ये बोले आपको कि एयर क्वालिटी है वो प्रोवाइड करता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एयर क्वालिटी के साथ ये रेनफॉल है उसके बारे में बताता है, टेम्परेचर के बारे में भी बताता है, बात करें तो ह्यूमिडिटी की भी बताता है, विंड स्पीड कैसी है और विंड की डायरेक्शन कैसी है, ETC जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड है वो की जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, एक ऑनलाइन पोर्टल है और एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर एयर क्वालिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें मेजर सिटीज़ की वो प्रोवाइड है वो की जाती है। देखो, दिल्ली में बेसिकली काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि दिल्ली में हम देखें तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन रहता है वहाँ पे, तो उस समय वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई वहाँ पे एयर की क्वालिटी कैसी है, हजार्डस लेवल से भी बुरी है या फिर ठीक ठाक है, नॉर्मल है, PM2.5, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड है वो की जाती हैं। तो कंटेक्स्ट तो बेसिकली ये था कि अभी दिल्ली का जो चांदनी चौक है वहाँ पे इसको लेकर लाइव जो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो प्रोवाइड है वो की गई है। तो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये ध्यान रखनी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कौन कौन सी गैसें आती हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बतानी है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम काफ़ी बार वैसे डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे बात करें इसके अंदर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ जो अलग गैसें हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया है, जैसे कि PM1 हुआ, PM2.5, PM10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड, BC, मीथेन, और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी गैसें उनको इंक्लूड है वो किया गया है। तो आज आपका जो क्वेश्चन है वो है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी गैसें हैं, आपको बतानी है कि वो 8 गैसें कौन कौन सी, क्योंकि UPSC ने 2015 में उस पर क्वेश्चन पूछा भी था, हमने इसे काफ़ी बार पहले भी डिस्कस किया है। तो ये आज आपके लिए एक रिविजन की फॉर्म में क्वेश्चन है वो तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो हमारी न्यूज़ आई है वो आई है मेनली ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेके। तो कंटेक्स्ट क्या पहले तो देखते हैं, ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है उसका अभी जो विस्तार है आप बोल सकते हो या इसका जो फैला हुआ है वो अभी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनके अंदर फैलाने की बात है वो की जा रही है। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के अंदर 5 जो मेजर कंपनीज हैं इंडिया की वो एक साथ आ रही हैं जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के तौर पर, जैसे बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC, गेल और ऑयल इंडिया लिमिटेड, और इसी के साथ एक और रिफाइनरी लिमिटेड जिसका नाम है नुमालग्रह रिफाइनरी लिमिटेड। तो ये 5 मेजर कंपनीज हैं जो कि एक साथ मिलकर सब इक्विटी शेयर है वो यहाँ पर डिस्प्यूट कर रहे हैं, मतलब सबका 20-20% कॉन्ट्रीब्यूशन है और एक जगह इन्वेस्ट करिए नॉर्थ ईस्ट के एरिया में। काम क्या होगा इनका, मेन मोटो ये है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो गैस की सप्लाई है ना वो की जा सके ढंग से सुनिश्चित है वो की जा सके लिए, मतलब वहाँ पे एयर का कंट्रीब्यूशन है, सॉरी एयर का नहीं, जो गैस है इसका कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाया जा सके, ताकि जो फॉसिल फ्यूल वगैरह है उनके ऊपर निर्भरता है जो खत्म, जैसे कि चूल्हे वगैरह जल जाते हैं या फिर उपले वगैरह पर जो खाना बन जाता है उसको कम किया जा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई सभी जगह है ना वो LPG गैस वगैरह वो प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो कंटेक्स्ट तो कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखो, यह पहली बात तो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, और इसमें आपको बता दूँ गेल के द्वारा यह स्कीम वो लाई गई थी, GAIL, ये आपको बताऊंगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्कीम है वो लाई गई थी। तो देखा जाए तो यह जगदीशपुर से लेकर हल्दिया तक की बात है। जगदीशपुर की बात करें तो यह बेसिकली आपको पता है कहाँ आता है, जगदीशपुर आता है यूपी में, तो यूपी से लेकर हल्दिया आता है आपको बताइए वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ तक इसका फैलाव है वो क्या गया है। बेसिकली 2540 किलोमीटर लंबी एक लाइन है जिसका मेन मोटो यह है
कि जो यूपी हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा और वाराणसी, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये पांच स्टेट हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से पांच स्टेट में बेसिकली ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो काम करता है। तो इन पांच स्टेट हैं, यहाँ पे जो खाना बनाने की जो गैस होती है वो प्रोवाइड करवाने के लिए इसका निर्माण है, वो पाइपलाइन का वो किया गया था। तो अभी बेसिकली इसका काम है वो चल रहा है, अभी रनिंग फॉर्म में, कुछ जगह इसका काम कंप्लीट भी हो गया है। गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि स्कीम है क्या, कौन कौन से स्टेट को इसमें बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूपी हुआ, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पांच स्टेट को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है। देखो नॉर्थ ईस्ट की जो सिटीज़ हैं, जैसे कि मेन गुवाहाटी है, इसके साथ और भी जो वहाँ पे छोटे छोटे स्टेट हो गए उनकी सिटीज़, मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करना काफ़ी अहम हो जाता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत इन सबको कनेक्ट वो कर दिया जाए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की, भाई कुकिंग गैस पाइपलाइन है, प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर दिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आई है वो आई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके। काफी बार आप लोगों ने कमेंट भी किया कि सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बताइए, तो आज इसे हम डीपली काफी अच्छे से डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट क्या है आज का जो न्यूज में है। करंट ये है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें अभी म्यांमार भी इंक्लूड हो गया। तो म्यांमार बात करें तो इसको रेक्टिफाई करने वाली 68वीं कंट्री हो गई है। ये तो है कंटेक्स्ट। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया क्यों गया था, क्या इसके फीचर्स हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो 2015 में सॉरी पेरिस घोषणा हुई थी, पेरिस डिक्लेरेशन हुई थी, उस दौरान आपको पता है कि काफ़ी सारी बातें सामने आई थी, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट भी आया था, और उसी दौरान बात की गई थी कि भाई जो सोलर अलायंस है वो बनाया जाए। तो ये बेसिकली इंडिया और फ्रांस दोनों कंट्रीज ने मिलकर इसकी स्टार्टिंग है वो की थी। ये ढंग से आप याद रखना, इंडिया और फ्रांस दोनों ने इसको मिलकर बनाया था। इसका स्टार्टिंग में मोटो ये रखा गया था कि भाई ऑल ओवर में बात की जाए तो जो 2030 तक 1000 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाएगी सन की लाइट के द्वारा, मतलब सोलर लाइट से 1000 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जानी है 2030 तक, ये टारगेट इसका रखा गया था। इसके साथ ही रखा गया था कि 1000 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है वो इसमें किया जाएगा 2030 तक, और जो ये टारगेट है इसमें अचीव करना है। अब देखो बात करें इसकी कौन कौन सी कंट्रीज तो इसके मेंबर हैं और कौन कौन सी कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई किया है और इंडिया का इसमें क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 121 कंट्रीज ने बेसिकली इसको यहाँ पे, मतलब उन्होंने इस चीज़ के लिए एग्री हुई थी कि हाँ भाई ठीक है रेक्टिफाई। तो अभी बात करें तो सिर्फ 68 कंट्रीज ने इसको अभी तक रेक्टिफाई किया है, बाकी 121 कंट्रीज हैं वो बेसिकली इसके मेंबर हैं। कौन कौन सी कंट्रीज के मेंबर हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो इसके मेंबर हैं, जो आपको ढंग से बताता हूँ कि करक रेखा, आपको पता है कि 23.5 जो नॉर्थ वाली है उसकी बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में आगे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे कहते हैं मकर रेखा। तो मतलब करक और मकर रेखा के बीच में जो कंट्रीज आती हैं उन कंट्रीज, वो कंट्रीज बेसिकली इसके मेंबर हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट है, सूरज की जो किरणें हैं वो साल भर करक और मकर रेखा के बीच में ही फ्लो करती है, ना तो करक रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके नॉर्थ में जाती है, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में जा पाती है। तो मतलब सन की लाइटें वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही घूमती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मतलब इस वाले एरिया में सनलाइट है वो पूरे साल भर होती है, यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं होता है, इसीलिए इन वाले कंट्रीज के पास सनलाइट काफी प्रचुर मात्रा में, तो ये क्या कर सकती हैं, सोलर लाइट प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कंट्रीज करक रेखा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है वो बेसिकली इसके मेंबर हैं, और उनके द्वारा जो सोलर लाइन, मतलब सोलर इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो ये बेसिकली इसके मैंने आपको जो फैक्ट्स था वो यहाँ पे बता दिया है। अब बात करें, बनाया तो इसको बेसिकली फ्रांस में गया था, बट इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें वो आपको पता है कि हमारे इंडिया में गुड़गांव, जिसका अभी रिसेंटली नाम चेंज कर दिया गया था गुरुग्राम, तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है वो आपको बता रखना है। पहली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में, ये आपको ध्यान रखना है, और यूएन के द्वारा भी इसको सर्टिफाइड है वो क्या गया है लास्ट ईयर 2017 में, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करें इसके क्या क्या फायदे होंगे। देखो फायदे की बात तो ऐसी है, एक तो इससे इंडिया को टेक्नोलॉजिकल हब के तौर पर विकसित करने का मौका मिलने वाला है। इसके साथ ही बात करें हम इंडिया का जो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है ना उसमें भी चार चांद लग जाएंगे। फिर डोमेस्टिक कंपनी है इंडिया की, उनको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलने वाला है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट इससे होने वाला है। और अहम बात क्या है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट किया जाएगा और इंडिया को एक लीड रोल मिलेगा। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो इंडिया को इससे काफ़ी अच्छे बेनिफिट होने वाले हैं, और एक अहम बात ये हो जाएगी कि इंडिया को एनर्जी के लिए दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं होना होगा। अदरवाइज अभी इंडिया है यूरेनियम के लिए हो या बाकी एनर्जी के लिए, आप दे दो पेट्रोल वगैरह के लिए, इंडिया को फॉरेन कंट्री पर डिपेंड है वो रहना होता है। तो अगर इंडिया सोलर लाइन्स के तौर पे अगर अपने आप को बहुत आगे डेवलप कर लेता है तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी पूरी हो जाएगी और इंडिया को बेनिफिट इससे हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसके फायदे होने वाले हैं।
अब इंडिया ने इसके लिए टारगेट ये रखा है कि भाई 2030 तक हम जो 40% इलेक्ट्रिसिटी है हमारे देश में वो प्रोड्यूस करने वाला है नॉन फॉसिल फ्यूल से, ये ध्यान रखना है। अकेली सोलर की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, नॉन फॉसिल फ्यूल जिसमें आप बात कर सकते हो कि जो और भी काफी सारे तरह के जो छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। मतलब जो जमीन से फॉसिल फ्यूल निकाला जा रहा है उसके अलावा है जो और रिसोर्सेज हो गए हैं, जैसे वाटर्स वगैरह से, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, तो वो हो गया नॉन फॉसिल फ्यूल। तो 40% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 2030 तक हम इससे प्रोड्यूस करने वाले हैं नॉन फॉसिल फ्यूल से। अब बात करें 2018 का जो टारगेट था इंडिया का वो ये था कि 20 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें सोलर से प्रोड्यूस करनी है, जो कि इंडिया ने डन कर लिया। और 2022 तक टारगेट ये रखा गया है कि 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें यहाँ पे सोलर लाइट से प्रोड्यूस करनी है, तो वो टारगेट भी गवर्नमेंट जल्दी अचीव कर लेगी। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टारगेट है वो रखे गए थे, थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट है वो रखे हैं। तो इसके बारे में जो बेसिक फीचर्स थे वो मैंने आपको एक एक करके सारे बता दिए हैं कि क्या तो अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन कौन सी कंट्रीज के मेंबर हैं, कौन कौन सी कंट्री ने इसे को रेक्टिफाई किया है, वो हमने यहाँ पे देख लिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आई है वो आई है ब्रिक्स मीडिया फोरम को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि अभी नेल्सन मंडेला की जो 100वीं एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी, उसी मौके पे ब्रिक्स मीडिया फोरम है वो अभी एक तरीके से उसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। कहाँ पे? इसका जो थर्ड एडिशन था वो स्टार्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। देखो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यहीं पे लगा सकते थे कि अगर नेल्सन मंडेला की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है इसका मतलब ऑब्वियसली इसका एडिशन वगैरह साउथ अफ्रीका में ही हुआ होगा। जैसे एग्जाम में कई बार आपके पास ऑप्शन नहीं ध्यान हो तो आप ऐसे भी क्वेश्चन ऑप्शन को राइट है मतलब एलिमिनेट करके आंसर को क्लिक कर सकते हो। तो थर्ड एडिशन इसका केप टाउन में है वो आयोजित है किया गया है। अब देखो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके जो पांचों ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनके क्या हुआ जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वो आपस में एक जगह आए, उन्होंने अपना जो आपस में पार्टिसिपेशन किया, काफी तरह की बातचीत वगैरह मतलब जो भी उनको कम इश्यूज वगैरह हैं किस तरीके से उन्होंने आगे स्टेप उठाने वो सारी बातें यहाँ पे की गई थी। इसी के साथ ही यहाँ पे एक अहम वर्ड और आया, वो आया था केप टाउन डिक्लेरेशन। तो केप टाउन डिक्लेरेशन 2018 किससे रिलेटेड है ये यूपीएससी पूछ सकती है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। केप टाउन डिक्लेरेशन 2018 है वो बेसिकली इसी से रिलेटेड है कि भाई आपको ध्यान रखना कि ब्रिक्स मीडिया फॉर्म से पहली बात तो एक यहाँ पे ही आ जाती है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही केप टाउन डिक्लेरेशन 2018 में इस चीज पे सर्वसहमति हुई पांचों कंट्रीज में कि भाई यूनिफाइड जो न्यूज सर्विस है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, मतलब एकजुट होकर हम न्यूज वगैरह है उनको एक्सचेंज करेंगे ताकि जिस भी कंट्री को बेनिफिट हो रहा हो वो यहाँ पे हो सके, न्यूज एक्सचेंज वगैरह यूनिफाइड वे में न्यूज सर्विस है वो प्रोवाइड करवाने के लिए बात की गई थी। तो इस पे बेसिकली यूपीएससी एक तो ये पूछ सकती है कि केप टाउन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, आसियान से रिलेटेड है, आसियान से रिलेटेड है, या फिर इप्सा, तो हमें ध्यान रखना है कि नहीं भैया केप टाउन डिक्लेरेशन है वो ब्रिक्स से रिलेटेड है। चलो आप ये बताइए कि दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में आपको बताने की किससे रिलेटेड है। इसके साथ ही आज आपको ये बताना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी गैसें होती हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज आई है, नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वो है रेंट ए लैब पॉलिसी के बारे में। देखो अभी इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा स्टार्टिंग है या ये पॉलिसी लेके आई गई है या स्कीम बोल सकते हो रेंट ए लैब पॉलिसी, जिसका दूसरा नाम है श्रीमान स्कीम। तो ये आपको ध्यान रखने की क्या है, श्रीमान की फुल फॉर्म यहाँ पे है साइंटिफिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड नेटवर्क, तो ये ध्यान रखना है। क्या इस स्कीम में लेके आ गए वो फीचर्स हम देखते हैं। देखो आपको पता है कि इंडिया के अंदर रिसर्च वगैरह काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे गवर्नमेंट फोकस तो कर रही है, और इसीलिए हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े महंगी इक्विपमेंट हैं वो इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करने होते हैं। अब कई बार क्या होता है कुछ कंपनी महंगे इक्विपमेंट बाई तो कर लेती हैं बट फिर उनके एक टाइम बाद वो यूजफुल नहीं होते, मतलब उनके पास ऐसे व्यर्थ में पड़े रहते हैं कोई कुछ काम नहीं होता है, और कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनको उनकी ज़रूरत होती है। तो हुआ क्या, जहाँ पर ज़रूरत है उनको तो पता नहीं चल रहा है कि यार इस कंपनी के पास ये चीज़ पड़ी है तो मैं वहाँ से उनका यूज़ वगैरह कर सकती हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक वेबसाइट है, एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी, मतलब जो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह है वो क्या करेंगे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल देंगे, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई और कॉलेज वगैरह हो, चाहे और कोई इंस्टीट्यूट हो, वो सब क्या अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट कर देंगे कि भाई हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, या ये चीज़ हमारे पास ये मशीन है ये यहाँ पे पड़ी है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो वहाँ पे क्या होगा वो रेंटल बेसिस पे आपस में एक्सचेंज की जा सकेगी। इससे बेनिफिट एक तो यह होगा कि एक तो जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह उनका खर्चा बच जाएगा, कई बार इंस्टीट्यूट क्या है कि महंगे इंस्ट्रूमेंट है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई भी मान लो कि कोई एक्सरे की दुकान है, हो सकता है उसको काफ़ी बड़ी मशीन की जरूरत हो और उसको नहीं, उसके पास वो अवेलेबल नहीं हो वो पार्ट वगैरह, तो हो सकता है वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट वगैरह से थोड़े बहुत रिसर्च वगैरह के लिए यूज कर ले कुछ टाइम के लिए, अगर उसको कोई रिसर्च वगैरह करनी हो वैसे, मतलब इधर उधर से क्या होगा इसमें शेयरिंग बेसिस पे रेंट वगैरह वो प्रोवाइड करवा जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया रेंट ए लैब
पॉलिसी, इसमें एक प्रावधान किया गया है। महंगे इक्विपमेंट का मतलब यहाँ पे है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो 10 लाख से ज्यादा के आते हैं, मतलब 10 लाख रुपए से ज्यादा का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो यहाँ पे महंगी लिस्ट में इंक्लूड हो किया गया है। इससे एक तो बेनिफिट ये हो गया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसके पास पैसा नहीं है तो उसका पैसा बच जाएगा ऑब्वियसली, कि भाई बड़ा इंस्ट्रूमेंट वो खरीद नहीं पा रहा है तो सस्ते से इधर उधर से किराए पे लेके काम चला लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी इन लेबोरेटरी वगैरह है इंडिया में या और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके पास जो खाली पड़े इक्विपमेंट वगैरह हैं उनको आपस में शेयर किया जा सके रेंटल बेसिस पे, इसलिए ये श्रीमान पॉलिसी है वो लगी है रेंट ए लेब पॉलिसी। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। नेक्स्ट जो न्यूज आई है, नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है डिनोटिफाइड सेमी नोमेडिक और इसके साथ नोमेडिक ट्राइब के बारे में आया है। कंटेक्स्ट ये है कि अभी जो डिनोटिफाइड और सेमी नोमेडिक और जो नोमेडिक ट्राइब हैं इनके लिए एक परमानेंट कमीशन है, एक स्थायी कमीशन है वो बनाने की बात हो की जा रही है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये बात हो की गई थी कि भाई इनके लिए एक परमानेंट कमीशन है वो बनाया जा सके। तो सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे ये समझते हैं कि डिनोटिफाइड सेमी नोमेडिक और नोमेडिक ट्राइब होती कौन सी है, तब हम कंटेक्स्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो डिनोटिफाइड ट्राइब का मतलब ये होता है कि वंचित ट्राइब है, मतलब जिनको अधिकार वगैरह राइट्स वगैरह नहीं दिए गए। देखो जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले आपको पता कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, कुछ ट्राइब को एक्चुअली क्रिमिनल एक्टिविटीज के तहत उनको क्या कर दिया था, मतलब उनको अपराधी का ठप्पा लगा दिया था कि भाई ये जो ट्राइब है ये तो क्रिमिनल ट्राइब है। और आजादी के बाद क्या हुआ, वही ट्रेंड चलता रहा, मतलब उनकी उन ट्राइब को कहीं ना कहीं डिनोटिफाइड कर दिया गया था, उन ट्राइब की तरफ फोकस ही नहीं किया गया था। तो वो हो गए डिनोटिफाइड ट्राइब की जिनको ब्रिटिश टाइम पे अपराधी का ठप्पा लगा के घोषित किया गया था और आगे भी वही ट्रेंड चलता रहा था। ये तो होगी हमारी डिनोटिफाइड। अब बात करते हैं नोमेडिक ट्राइब। नोमेडिक ट्राइब का मतलब ये होता है कि वो ट्राइब जो घूमती रहती है, मतलब घुमंतु जो ट्राइब होती है उनको बोलते हैं नोमेडिक ट्राइब। और सेमी नोमेडिक का मतलब ये होगा कि वो ट्राइब जो घुमंतु तो है बट साल में एक बार एक जगह आके मिलती है। जैसे मान लो कि कोई ट्राइब है वो पूरे साल भर घूम रही है बट एट लास्ट में उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि भाई साल में एक दिन हम लोग यहाँ आके मिलेंगे, मतलब एक सेंटर डिसाइड कर लिया कि हर साल हम इस जगह पे आके एक बार एकजुट है वो होंगे। तो वो होगी यहाँ पे सेमी नोमेडिक, मतलब एक साल में एक बार फिक्स हैबिटेट या जो उनका परमानेंट घर है वहां पे आके वो रहते हैं, बाकी पूरे साल वो घूम घूम के रहते हैं, वो होगी सेमी नोमेडिक ट्राइब। अब बात ऐसी है कि ये तीनों ही जो ट्राइब हैं नोमेडिक, सेमी नोमेडिक और डी नोटिफाइड ट्राइब, इन ट्राइब को क्या है कि जो राइट्स वगैरह ना वो ढंग से नहीं दिए गए, मतलब इनको मार्जिनल सेक्शन में रखा गया है, ना ही तो उनको रिजर्वेशन का लाभ होता है, ना ही इनको एजुकेशन की पॉलिसी का लाभ हो रहा है, और भी गवर्नमेंट की जो स्कीम है ना उनका कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बात यह की गई, एक जो आयु कमीशन था जिसका नाम था भिक्कू राम जी इडेत, ये भिक्कू राम जी इडेत जो कमीशन था इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाई ये जो तीनों ट्राइब है ना इनके लिए स्पेशल फोकस के तहत क्या किया जाए, एक स्थायी कमीशन या बोल सकते हो कि स्थायी आयोग है उसका निर्माण किया जाए। तो ये सारा कंटेक्स्ट था। तो अभी हुआ क्या था कि जो नीति आयोग है उसने भी अनुमति दे दी कि हाँ भाई ठीक है ये जो तीनों तरह की ट्राइब हैं इनकी हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए जो स्थायी कमीशन है वो बनाया जा सके ताकि इनके ऊपर ज़्यादा फोकस है वो किया जा सके। क्योंकि देखो इनके पास प्रॉब्लम क्या है, ना तो इनके पास लैंड वगैरह होता है, ना ही इनको एजुकेशन दी जाती है, ना ही गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनका बेनिफिट इनको मिल रहा है। इसके साथ ही बात करें तो मार्जिनल सेक्शन में ये रहती हैं, इनको सोसाइटी से काफ़ी अलग थलग रखा जाता है। तो इन सबसे ऊपर उभारने के लिए इनको एक्चुअली स्थायी कमीशन के तहत लाया जाएगा, फिर इनका डेवलपमेंट है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो बेसिक्स में यूपीएससी एक तो ये पूछ सकते हैं कि डिनोटिफाइड सेमी नोमेडिक और नोमेडिक ट्राइब कौन सी हैं, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट आर्टिकल आज का वो है पोंगोलिन के बारे में, तो देख लेते हैं कि कंटेक्स्ट है क्या। कंटेक्स्ट है कि जो पोंगोलिन है इसको लेके उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम चलाया है ताकि इनका जो भी बोल सकते हो स्मगलिंग वगैरह होती है उसको रोका जा सके। अब है क्या पोंगोलिन एक बार वो देख लेते हैं। पोंगोलिन है वो एक तरह के मेमल्स है, ये देख लो इस तरह का जानवर होता है जो कि जो चिट्टी वगैरह होते हैं इनको खा के जिंदा रहता है। बेसिकली मेमल्स वो होते हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। तो ये एक ऐसा मेमल्स है जिसके शरीर के ऊपर सेल है, मतलब जो कठोर आवरण दिख रहा है ना आपको काफी पक्का पक्का, जैसे कि कछुआ होता है उसके शरीर के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग जो कवच होता है ना सेल होता है, उसी तरीके से इसके शरीर पर भी काफी स्ट्रॉन्ग कवच होता है ताकि इसका शिकार वगैरह, मतलब जो नॉर्मल जानवर है उसका शिकार वगैरह ना कर सकें। तो इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि इसके बारे में भी न्यूज़ है, न्यूज़ में क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। मैंने आपको बताया कि उड़ीसा गवर्नमेंट है वो इसके लिए स्टेप उठा रही है ताकि इसकी स्मगलिंग है इसकी पोचिंग वगैरह उसको रोका जा सके। देखो ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, वैसे तो काफ़ी टाइप होती हैं बट दो मेन बात करें, एक तो होती है इंडियन पोंगोलिन और एक होता है चाइनीज पोंगोलिन। इंडियन पोंगोलिन है वो IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन पोंगोलिन है वो IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में, चाइनीज पोंगोलिन की बात करें तो वो आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, मतलब चाइना वाला ज़्यादा खतरे में है। अब
इसका शिकार क्यों होता है वो भी हम देख लेते हैं। इनका शिकार बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि देखो या तो इनका मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में इनका जो सेल है, इनका जो बाहरी आवरण है इसका यूज किया जाता है, या फिर मेडिसिन सेक्टर में इसका यूज है वो किया जाता है। बेसिकली इसकी जो डिमांड है वो चाइना में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इंडिया से इसकी तस्करी वगैरह काफी ज्यादा की जाती है। तो अभी ये इसका जो आवास है या इसकी जो ये प्रजाति है काफी खतरे में, इसी को लेकर उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि भाई इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाए जा सके। एक प्रोग्राम है ओल्ड लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जिसका नाम है MLAT म्यूचुअल लीगल असिस्ट ट्रीटी। ये ट्रीटी का मेन फोकस यही है कि देखो ओलो रोड में जो भी पोचिंग जानवरों की तस्करी हो रही है, बेसिकली यहाँ पे फोकस किया गया है पोंगोलिन को, कि पोंगोलिन की ओलो इंटरनेशनल लेवल पे तस्करी की जा रही है, स्मगलिंग हो रही है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपस की कंट्रीज में एक्सचेंज की जा सके ताकि इसका जो अवैध व्यापार है, जो इसकी तस्करी है उसको रोका जा सके। तो इसके लिए बेसिकली MLAT जो ट्रीटी है वो बनाई गई है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी इसको रेक्टिफाई किया है और उड़ीसा गवर्नमेंट इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन निभा रही है, और जो पोंगोलिन है इसको बचाने के लिए काफी सारे स्टेप उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा से वो ली जा रही हैं। तो यूपीएससी एक तो ये पूछ सकती है कि पोंगोलिन के लिए इंडिया में कौन सी स्टेट ने जहां पे स्टेप उठाए, तो हमें ध्यान रखना है कि उड़ीसा गवर्नमेंट है वो पोंगोलिन के लिए भी वो अपने जो एक्टिव पॉलिसी है वो यहां पे लेके आई है। तो ये न्यूज हमें यहां पे ध्यान में रखनी है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने सफर के बारे में डिस्कस किया, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे है उसके द्वारा एक बनाया गया पोर्टल है जिसका मेन काम है कि एयर क्वालिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, लाइव इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद में हमने यहाँ पे डिस्कस किया पोंगोलिन के बारे में कि इंडियन पोंगोलिन है वो इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, और बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो उसके शेड्यूल फर्स्ट में इसको प्रोटेक्शन है वो दी गई है। इसके साथ ही हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को डिस्कस किया कि 121 से ज्यादा कंट्रीज का यह ग्रुप है जिसका मेन फोकस है कि सोलर एनर्जी है उसको प्रमोट करना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की कंट्री जिसके मेंबर हैं बेसिकली, अभी म्यांमार ने इसको रेक्टिफाई किया है। इसके साथ ही हमने देखा यहाँ पे नई स्कीम थी वो थी ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट में इसका डेवलपमेंट या फैला हुआ है वो किया जा रहा है, 5 स्टेट को बेसिकली इससे फायदा हो रहा था, तो अभी और भी स्टेट को इसमें इंक्लूड है वो किया जाएगा। इसके साथ हमने ब्रिक्स मीडिया फोरम के बारे में डिस्कस किया, रेंट ए ले पॉलिसी या श्रीमान पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया है। इसके साथ ही हमने डिनोटिफाइड सेमी नोमेडिक और नोमेडिक ट्राइब के बारे में डिस्कस है वो किया है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।